Question number 41. We have discussed already 1 to 40 question. This is test number 2. Chaliye, which of the following was not causative vector behind the indigo or blue rebellion in 1859 ke andar ek blue rebellion hua tha jiska naam indigo rebellion. Theek hai, to ye keh raha hai ki uske kaun se cause nahi hai. To first hamare paas kya hai, the peasant were compelled to plant indigo rather than food crop. फूड क्रॉप के बजाय उनको इंडिगो उगाने के लिए कंपेल्ड किया गया था, मतलब उनको जबरदस्ती करी गई थी कि भाई आप इंडिगो को एग्रीकल्चर करो बजाय फूड क्रॉप के. बायोडिटिस बिल्कुल सही है, ऐसा था. द प्रेजेंट वाट प्रोवाइडेड लोन कॉल्ड डाडोन फॉर इंडिगो प्लांटिंग विच इज़ वेरी हाई रेट इंटरेस्ट रेट. जो इंडिगो की जो एग्रीकल्चर करते थे वहाँ किसान को लोन मिलता था बहुत हाई रेट पे, उसे कहते थे डाडोन. ये बिल्कुल सही है, इसका मतलब है दोनों सही हो गए तो 1 और 2 तो ऑप्शन होंगे ही नहीं. थर्ड है हमारे पास एक्वायरेशन ऑफ फार्मलैंड बाय ब्रिटिश फॉर देयर इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए ब्रिटिश ने उनकी ज़मीनों को हड़प लिया था. ये गलत है, तो थर्ड हो गया. रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिगो, ये भी गलत है. तो आंसर इसका हुआ 1, 3 और 4. 3 और 4 से कोई रीजन नहीं है, 1 और 2 से रीजन है. तो 41 का आंसर हुआ 3 और 4, तो आंसर हुआ सही. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of these country have a unique distinction of being the only country producing the 5 known commercial silks? कहने 5 तरह की सिल्क है, इनमें से कौन सी कंट्री में सब मिलती हैं सिल्क? 5 तरह की कौन कौन सी है? मुलबेरी, ओक, तस्की, इरी, मुगा. ये पांचों जो हमारे पास जो तो ये सिल्क होती है ये सारी सारी नेवगे में मिलती हैं. तो 42 का आंसर है हमारे पास बी. ठीक है, तो 42 तो मतलब 5 टाइप ऑफ सिल्क जो है वो कहाँ कहाँ मिलती है? सारी मिलती है इंडिया के अंदर. तो आंसर होगा इसका बी. 43 पे आप आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विंडोज ऑफ हाउस इन कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी टू रिसीव द कोलर सी ब्रिंज इन नाइट. ठीक है, होता क्या है कि जो जब दिन होता है मतलब डे के टाइम पे क्या होता है, जो लैंड हमारी होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है बजाय वाटर के, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रेज जो सन की जो रेज हैं या फिर हवाएं हैं, जब सन की रेज ज़मीन पे पड़ी ग्राउंड पे पड़ी तो इट विल बिकम मोर हॉटर देन एयर, जिसकी वजह से जो हमारी ज़मीन है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है. अब हवा चली, तो जब हवा चली तो कहाँ से जाएगी? नीचे से जाके ऊपर जाएगी, मतलब नीचे इस ग्राउंड से होते हुए ऊपर जाएगी, उसी हम कहते हैं सी ब्रिज. क्या बोलते हैं? सी ब्रिज. पर लेकिन जो सी ब्रिज होती है ना वो नाइट में चलती, वो चलती है डे के अंदर. तो इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है विंडोज़ ऑफ हाउस इन कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी इज रिसीव कोलर सी ब्रिज इन नाइट नहीं है, इन डे है, इसलिए आज का आंसर ये गलत है. सेकंड हमारे पास क्या है, लैंड एंड वाटर गेट हीटेड एट डिफरेंट रेट विच लीड टू विंड मूवमेंट ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस. बिल्कुल सही है, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ प्रेशर कम होता है, और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ प्रेशर ज़्यादा, जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो विंड चलती है वो हायर प्रेशर टू लो चलती है. ठीक है, हाई प्रेशर टू लो चलते हैं, जिसका आंसर हुआ उसका, इसलिए इसका आंसर सेकंड हमारे पास रीजन भी सही है पर लेकिन एक्सेप्शन गलत है. तो आंसर हुआ उसका डी. चलो आगे बढ़ो. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड नेचुरली ऑकरिंग द इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस. एसिड और बेस के इनमें से कौन से तीनों के तीनों इंडिकेटर्स हैं, इनमें से पूछा गया है. चाइना रोज पेटल्स है, लिटमस ऑब्टेंड फ्रॉम द रीजन है, ट्यूमरिक है, ये भी है. तो 1, 2, 3 तीनों के तीनों हमारे एसिड और बेस के इंडिकेटर्स होते हैं, याद कर लो. क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विच आर द यूजली फाउंड. फॉर्मिक एसिड लेमन में पाया जाता है, गलत है, आंट में पाया जाता है. ऑक्सैलिक एसिड इसमें चबाया जाता है, सही है. एब्सॉर्बिक एसिड आंट में पाया जाता है. एस्कॉर्बिक एसिड लेमन में पाया जाता है. तो लैक्टिक एसिड क्रूड में पाया जाता है. तो इसका आंसर हुआ 2 और 4 करीब. ठीक है, तो 2 और 4 हुआ इसका आंसर, गलत हुआ सारा. इसकी एक टेबल दी हुई है, उसको आप याद कर सकते हो. एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर के अंदर, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है आंट के अंदर, सिट्रिक एसिड पाया जाता है सिट्रिक फ्रूट जैसे ऑरेंज और लेमन हो गए,
लैक्टिक एसिड क्रूड में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड स्पंज में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन सी कहते हैं उसको अम्ला में पाया जाता है, और सीट्रस फ्रूट में पाया जाता है, टैट्रिक एसिड को ग्रेप्स में पाया जाता है। नेम ऑफ एसिड मेंशन अबव अकर्स इन नेचर, नेम ऑफ बेस है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में पाया जाता है, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर से पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप में पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पाया जाता है। तो दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।